दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे दिन की सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। जो इस बार सेकंड वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ फॉर्मर एटीपी ग्रैंड स्लैम के चैंपियन जी के 10th एनिवर्सरी थे ग्रैंड स्लैम चैंपियन की ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही। मैं बात कर रहा हूँ स्टैन वावरिंका, स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, काफी अच्छे परफॉर्मेंसेज देते हैं, 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं जब बिग 3 होते थे, वो बढ़िया प्रदर्शन करते थे बिग 4 भी, एंडी मरे भी, और अच्छा प्रदर्शन कंटिन्यू रख रहे हैं। धीरे धीरे अच्छी रैंकिंग भी सुधार लाई थी बट इस बार उनकी चली नहीं। शुरुआत में लग रहा था कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर नहीं अच्छा कर रहे हैं, फिर और अच्छा कर रहे हैं, बट धीरे धीरे परफॉर्मेंस और अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी रैंची थी, जितनी उनसे उम्मीद थी। उनका मैच था एड्रियन मैंड्रीनो के खिलाफ। मैंड्रीनो भी 36 साल के प्लेयर हैं बट उनकी रैंकिंग अभी तक सबसे बेस्ट है। इससे पहले उनकी रैंकिंग कभी 19 नंबर पर पहुंची नहीं है, 19th ATP रैंकिंग थी बट सीडेड एज अ 20 प्लेयर हुए हैं क्योंकि एक रिजर्व रैंकिंग थे कैमरन नूरी, उनके ऊपर रैंकिंग हुई है। अच्छा प्रदर्शन किया मैंड्रीनो ने और मैंड्रीनो ने ये मैच जीता है 3-2 से। बढ़िया प्रदर्शन किया, 5 सेट्स आ गया और ऐसा मैच देखने को मिला तो काफी अच्छा लिया। वावरिंका ने बीच में बैकहैंड अपना स्पेशल भी बताया जैसे वो जाने जाते हैं। फिलहाल दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया तो कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग आपको मिल सके। फिलहाल दोस्तों अगर मैं बढ़ूँ तो पहले सेट की, और पहले सेट में क्या कमाल का प्रदर्शन रहा। शुरुआत में अच्छी रही, 1-1 रहा, फिर 2-1 हुआ। वावरिंका ने सर्विस गेम ब्रेक ही लगा था, 3-1 सर्विस गेम ब्रेक किया तो जीत जाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ पहला सेट। क्यों? क्योंकि दूसरे मैंड्रीनो ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, सर्विस गेम ब्रेक की, फिर से अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और 8 बार सर्विस गेम और ब्रेक की और 6-4 से पहला सेट जीता। 1-3 से डाउन होने के बावजूद भी 6-4 से सेट जीता। सेकंड सेट की बात की जाए तो सेकंड सेट में शुरुआत अच्छी रही, दोनों प्लेयर की 1-1 2-2 3-3 फिर 4-3 हुआ। वावरिंका ने सर्विस गेम इस बार मैंड्रीनो की ब्रेक की और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, उसके बाद 6-3 से सेकंड सेट जीता। अगर मैं थर्ड सेट की बात करूं तो थर्ड सेट भी अच्छा प्रदर्शन रहा, 1-1 रहा, 2-2 रहा, 3-3 रहा, 4-4 रहा, 5-5 रहा। 5-5 के बाद सर्विस गेम ब्रेक हुई 7-5 से और स्टैन वावरिंका ने सेकंड सेट अपने नाम किया। उनको चाहिए था 8 सेट और, दूसरी ओर मैंड्रीनो को 2 सेट चाहिए थे जीतना। अब जो चौथा सेट क्या प्रदर्शन रहा, दोनों ने शुरुआत तो अच्छी की, 1-1 सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर उसके बाद वावरिंका की थोड़ी ज़्यादा अच्छी शुरुआत क्योंकि सर्विस गेम ब्रेक थी, अब उन्हें ये कंटिन्यू रखना था बट फर्स्ट सेट की तरह ये कंटिन्यू नहीं रख पाए और स्टैन वावरिंका के खिलाफ मैंड्रीनो की स्पेशल परफॉर्मेंस देखने को मिले। हमें सिर्फ 8 ही सर्विस गेम वो होल्ड कर पाए और वो धीरे धीरे पूरा सेट स्वैप कर दिए और 6-3 से 4 सेट जीते, 2-2 पे बराबरी हो गई। 5वां सेट ले आए, 5वें सेट में तो और ज़्यादा टकलेआम प्रदर्शन कर दिया एड्रियन मैंड्रीनो ने। क्यों? क्योंकि 8 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सर्विस गेम ब्रेक की और अपनी सर्विस गेम पे हमेशा होल्ड रखा, बेडल कर दिया स्टैन वावरिंका को और 6-0 से जीता। पहला सेट जीता, सेकंड सेट थर्ड सेट हारा, उसके बाद चौथे सेट में कमबैक किया और 5वें डिसाइडर सेट में बढ़िया प्रदर्शन से 6-0 से बेडल किया और स्टैन वावरिंका ATP चैंपियन ग्रैंड स्लैम के 2014 में उनके खिलाफ 6-0 करना बहुत बड़ी बात है और वो करके जीते हैं। दोस्तों मैं देखूं तो अच्छा मैच रहा है, वावरिंका ने भी अच्छा प्रदर्शन किया बट इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना उनसे होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वो जिस तरह आगे जा रहे हैं कि जीत जाए बट ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल दोस्तों अगर मैं स्टैट्स की ओर बढ़ूँ तो स्टैट्स में देखा जाए एसीज स्टैन वावरिंका ने ज़्यादा लिए हैं, डबल फॉल्स स्टैन वावरिंका ने कम किया, मैंड्रीनो ने डबल फॉल्स 6 किए हैं, इनफैक्ट वावरिंका ने किए भी नहीं है डबल फॉल्ट, बट मेन आता है ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स भी ज़्यादा नहीं है कि कन्वर्जिंग हुआ, वावरिंका 6 आउट ऑफ 13, दूसरी ओर देखा जाए 6 आउट ऑफ 10, 4 बार कन्वर्ट हुए हैं सर्विस गेम मैंड्रीनो के, दूसरी ओर देखा जाए वावरिंका के 4 और 3 7, 7 बार सर्विस गेम ब्रेक हुई है, तो 3 बार बहुत ज़्यादा माना ही जाएगा क्योंकि ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट हुआ है। मेन जो मैं बोलूँगा वो था 5th सेट जिस तरह हारे हैं, और 4th सेट में उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, 1st सेट में थी अपॉर्चुनिटी। अगर यही दूसरी साइड से व्यू देखा जाए तो मैंड्रीनो ने क्या प्रदर्शन बताया, मुश्किल परिस्थिति थी पहले और चौथे सेट में, वो 2 सेट जीते और 5वें सेट में अपने नाम किया वन साइड अफेयर करके। फिलहाल दोस्तों मैं चलता हूँ, उनका नेक्स्ट मैच होगा स्पेन के खिलाड़ी मुनार के साथ, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताने की कैसा मैच होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।